नमस्कार साथियों, देर आए दुरुस्त आए। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का पेट पालता है, किसान इस देश को नौजवान सीमा की रक्षा के लिए देता है। पिछले एक हफ्ते से किसान सड़कों पर पड़ा है, कराह रहा है। दिल्ली के चारों ओर लाखों किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हैं, परंतु अहंकारी मोदी सरकार बात को तैयार नहीं थी। अब कम से कम बातचीत का न्योता तो दिया। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनुरोध है कि किसानों के लिए वार्तालाप के दरवाजे खोले हैं तो मन भी खोलकर बात करिएगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं। और हमारी मांगे हैं, नंबर एक, सभी किसान संगठनों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाए ताकि किसानों की सारी समस्याएं, दुख और तकलीफ सरकार के सामने रखकर एक ही बार में उनका निर्णय हो सके। नंबर दो, अगर आप किसानों से बात कर रहे हैं तो तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को आज ही प्रधानमंत्री सस्पेंड करने का निर्णय करें और इसकी घोषणा करें। नंबर तीन, हजारों किसानों पर, 12,000 से अधिक किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें बगैर शर्त वापस लेने की घोषणा करें। नंबर चार, पराली जलाने के आरोप में जो गरीब किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जुर्माने लगाए गए हैं, जेलों में उन्हें बंद किया गया है, वो सब के सब वापिस लें और पराली का जो फाइन लगाने का ऑर्डिनेंस है उसे फौरी तौर से खत्म किया जाए। और नंबर पांच, या तो तीनों काले कानून खत्म कर दीजिए या हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनुरोध है कि किसानों के लिए वार्तालाप के दरवाजे खोले हैं तो मन भी खोलकर बात करिएगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं।